स्वागत है आपको इस स्मार्ट कार रिव्यू की बिल्कुल नई फ्रेश वीडियो में। आज हमने दोबारा महिंद्रा की XUV 3XO कार को कवर किया है, जिसमें महिंद्रा मोटर्स ने आज एक टीजर वीडियो को पेश किया है जिसमें इसके सनरूफ के बारे में बताया है। लेकिन दोस्तों, सनरूफ के साथ साथ इसके इंटीरियर के डिजाइन और कुछ फीचर्स सामने निकल कर आया है। देखो, सबसे पहले इसका इंटीरियर का डिजाइन जो रहने वाला है वो व्हाइट थीम के साथ होने वाला है। लुक्स में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है इंटीरियर के साथ। जैसी आप बैठोगे इस गाड़ी के अंदर तो काफ़ी अच्छा खासा फ्रेशनेस फील आने वाला है। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है, और दूसरी बात, इस गाड़ी के अंदर लार्ज पैरोमिक सनरूफ जो बताया गया है वो कंपनी ने भी कंफर्म कर दिया है कि सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा रूफ होने वाला है। और उसके बाद गाड़ी के अंदर आपको रियर रो में भी एसी वेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। देखिए, वीडियो यहां से शुरू हुई है महिंद्रा मोटर्स की, तो यहां पे आपको एसी वेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके चारों तरफ आपको सिल्वर फिनिशिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाड़ी काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। गाड़ी का इंटीरियर आज देखने के लिए मिल गया। जो इंटीरियर की थीम रहने वाली है प्रॉपर आपको वाइट थीम के साथ देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको ग्लॉसी ब्लैक का भी फिनिश थोड़ा बहुत टच देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में देख सकते हैं आपको बड़ा सा टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है, जो आपको सनरूफ के ऊपर से थोड़ा बहुत झलक देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा गाड़ी का रियर लुक तो हमने काफ़ी टाइम से देख लिया है, और इसके अलावा गाड़ी के अंदर जो डी शेप में स्टेयरिंग नहीं रहने वाला है, आपको सर्कल शेप में स्टेयरिंग देखने के लिए मिलेगा, ये भी कंफर्म हो चुका है। और स्टेयरिंग आज इस वीडियो के अंदर पहली बार दिखाया गया है, जिसमें महिंद्रा का आपको नया लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में उसके सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी मीडिया कंट्रोल के फीचर्स, साथ में क्रूज कंट्रोल के फीचर्स, वो सारे बटन के एक्सिस आपको स्टेयरिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल का जो एक्सिस है वहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलने वाला है। ओवरऑल गाड़ी को एक नया लुक देने की कोशिश की गई है, और जो कि कामयाब भी हुई है। इस गाड़ी के अंदर एक लार्ज पैरोमिक सनरूफ जो है वो गाड़ी के अंदर चार चांद लगाने का काम कर रहा है। साथ में गाड़ी की जो सीट है वो लेदर फैब्रिक के साथ होने वाला है, तो उसके साथ भी आपको बेंटलीट सीट का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये भी महिंद्रा XUV 3XO कार के अंदर बिल्कुल नया फीचर्स है, जो कि फेसलिफ्ट के अंदर दिया गया है, और आप इसका बिल्कुल मजा उठा सकते हैं, जो कि आपको केवल टॉप वेरिएंट में ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के भी फीचर्स दिए गए हैं, वो भी काफी अच्छी खासी बात है। और गाड़ी में जो बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले की साइज रखी गई है वो रखा गया है 10.2 इंच के करीब। पहले आपको जहां 8 इंच के करीब डिस्प्ले साइज देखने के लिए मिलता था, अब आपको 10.2 इंच के करीब देखने के लिए मिलेगा, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स को आप एक्सेस कर पाओगे। और साथ में ये डिस्प्ले एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आने वाली है। और डिस्प्ले के साथ में आपको ये भी पता चला होगा कि गाड़ी के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर भी दिया गया है, जिसकी साइज 10.0 इंच के करीब रखी गई है। तो ये भी देख सकते हैं, 10 इंच के करीब आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप बड़ी आसानी से आप अपनी गाड़ी के फ्यूल एंड स्पीड को चेक पार करवाओगे कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है। तो सारा फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में महिंद्रा मोटर्स ने इस गाड़ी को वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी इन दिस सेगमेंट में साबित करने के लिए काफ़ी सारे नए फीचर्स दिए हैं। सबसे बड़ा बात, इस गाड़ी के अंदर लार्ज पैरोमिक सनरूफ का ऑप्शन जो आ चुका है दोस्तों, वो इंडियन कस्टमर फेवरेट फीचर है, जिससे लोगों को ये अट्रैक्ट करेगी और अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करेगी। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट की बात, इस गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जिंग की भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें बड़ी आसानी से आपका फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा, यानी फ़ोन रखो और आपका फ़ोन भी चार्ज होने वाला है। गाड़ी के अंदर काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं। साथ में लाइटिंग सेटअप को तो आपने देखा हुआ है, इसके एक्सटीरियर डिजाइन में जो सी शेप में DRLs लगा गया है, ओवरऑल खूबसूरत है। पीछे की तरफ चलोगे यानी रियर लुक में, तो वहाँ पे भी टेल लाइट की लेंथ ही जो रखी गई है काफ़ी बड़ा रखा गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, जिससे रियर लुक में ये गाड़ी बिल्कुल टोटली डिफरेंट नज़र आने वाली है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको 4-way इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये XUV 7WSV की तरह मेमोरी सीट का ऑप्शन नहीं होगा। तो काफ़ी कुछ नया फीचर्स आ चुका है इस गाड़ी के अंदर, और एक 4-meter सबकॉम्पैक्ट SUV कार के अंदर इतने सारे फीचर्स मिलना अभी तक किसी भी SUV के अंदर देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि इस गाड़ी को सेगमेंट के अंदर काफी पावरफुल बनाती है। एंड चारों टायरों के साथ आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है, जिससे आप गाड़ी को बहुत ही आसानी से रोक पाओगे एंड ड्राइव कर पाओगे। तो ये सारे फीचर्स आपको किसी भी गाड़ी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको 3 इंजन का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे महिंद्रा मोटर्स ने थोड़ी बहुत कटौती की है, जहाँ पे सेगमेंट के अंदर 1.5 लीटर का इंजन आता है, वहीं महिंद्रा मोटर्स ने अपनी गाड़ी के अंदर 1.2 लीटर का ही इंजन दिया है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर पूरे 3 इंजन का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है,
जो कि पहला रहेगा 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, दूसरा रहने वाला 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, तीसरा रहने वाला इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर का डीजल इंजन। ये सभी इंजन आपको 6 स्पीड की मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। तो देख सकते हैं इंजन में थोड़ी बहुत कटौती की गई है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन चाहिए तो आपको सेगमेंट के अंदर किसी और गाड़ियों के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन से ज़्यादा प्यार है तब आप इसको XUV300 यानी 3XO कार के साथ जा सकते हैं। जैसी ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है, टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी ब्रीजा, किया की सोनेट, हुंडई की वेन्यू, निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट की काइगर जैसे बेहतरीन गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने वाली है। और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, इतने सारे फीचर्स के साथ ये गाड़ी आ रही है तो प्राइस क्या रहने वाला है? देखो, एक्सपेक्टेड बताई जा रही है कि सेगमेंट के अंदर इस गाड़ी की प्राइस 9 लाख से स्टार्टिंग हो सकती है, जहां सेगमेंट के अंदर औरों गाड़ियों की प्राइस 8.50 लाख रुपए से स्टार्टिंग की गई है, यानी 8.5 लाख रुपए सेगमेंट के अंदर औरों गाड़ियों की प्राइस रखी गई है। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी की प्राइस 9 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है 9 लाख रुपए से, लेकिन फीचर्स के मामले में महिंद्रा मोटर्स ने नो कॉम्प्रोमाइज रखा है। 5 साल के बाद इस गाड़ी को अपडेट किया है और इस गाड़ी के अंदर जो कमाल के फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं वो किसी भी 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी के अंदर 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, जिसमें महिंद्रा मोटर्स ने अपने वीडियो में साफ जाहिर किया है। जैसे कि इस गाड़ी के इंटीरियर में रेयर रो में देखोगे तो 3 हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको एक आर्मरेस्ट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है 20 सीट में। तो अगर 3 लोग पीछे बैठते तो आम रेस्ट का मजा नहीं ले पाओगे, अगर 2 लोग बैठते तो आम रेस्ट का मजा ले पाओगे। उसके अंदर आपको कप होल्डर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर काफी कमाल के फीचर्स हैं, लार्ज पैरोमिक सनरूफ का ऑप्शन है, केवल टॉप वेरिएंट में ही देखने के लिए मिलेगा, उसके लिए आपको करीबन 13 से 14 लाख रुपए देना पड़ सकता है। लेकिन महिंद्रा मोटर्स ने इसको सेफ्टी में भी काफी बढ़िया तरीके से ध्यान रखा है। जैसे कि इस गाड़ी के जब आप खरीदोगे तो बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। पहली बार मारुति सुजुकी ने इस फीचर्स को लागू किया था अपने फ्रॉन्क्स के अंदर, जैसी फ्रॉन्क्स को लॉन्च किया था उसमें 6 एयरबैग दिया था बेस मॉडल से। उसके बाद हुंडई मोटर्स ने अपनी एक्सटर गाड़ी के अंदर किया था, उसके बाद महिंद्रा मोटर्स ने अपने 3XO कार के साथ किया। इस गाड़ी के अंदर बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है, साथ में बॉडी हाई स्टेनलेस स्टील होने वाली है। हालांकि प्लेटफॉर्म आपको पहले वाला ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बॉडी लुक को टोटली डिफरेंट रखने की कोशिश की गई है। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया, 360 डिग्री कैमरा विथ रिवर्स पार्किंग कैमरा का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारे बड़े बड़े फीचर्स जो हैं केवल टॉप वेरिएंट और सेकेंड टॉप वेरिएंट में ही देखने के लिए मिलेगा। इस बातों का आप सोच लेना दोस्तों, उसके लिए आपको 13 से 14 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। सेफ्टी में आपको कमाल के फीचर्स देखने के मिल जाते हैं, जैसे कि चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ABS के साथ AVD को भी रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे कमाल के फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन 9 लाख रुपए की जो प्राइस रखी गई है दोस्तों, उसमें आपको बेस मॉडल देखने के लिए मिलेगा। ये आप सोच लेना, बेस मॉडल के अंदर आपको कुछ भी फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलने वाला, केवल आपको गाड़ी दिया जाएगा, उसमें ना ही मीडिया कंट्रोल के फीचर्स होंगे और ना ही आपको ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलेगा। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखना, अगर आप इस गाड़ी के टॉप मॉडल खरीदोगे तभी महिंद्रा मोटर्स के इन सारे फीचर्स को ले पाओगे जो अपनी वीडियो के अंदर महिंद्रा मोटर्स अभी दिखा रही है, यानी टीजर के अंदर जो दिखा रही है लार्ज पैरोमिक सनरूफ, इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल के फीचर्स, तो वो आपको केवल टॉप वेरिएंट में ही देखने के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, उसके लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर फॉलो कर लेना।